के अतिरिक्त वैसे सभी जिलों में जहां चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल नहीं है वहां चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना पर विचार किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय आप पूरक पूछिए। बस मेरा सीधा पूरक है माननीय मंत्री जी तो उत्तर जो दिए हैं मेरा सीधा पूरक है सर कि सरकार के नीति की घोषणा के बावजूद औरंगाबाद में अभी तक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की स्थापना नहीं हुई है तो क्या सरकार औरंगाबाद जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना क्योंकि सरकार के नीतिगत फैसला है हुजूर कि प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल खोले जाएंगे और वो सुदूर और उग्रवाद प्रभावित इलाका है और वहां के बच्चे काफी टैलेंटेड है अभी जो मैट्रिक के परीक्षा हुई उसमें काफी टॉप किए तो वैसे टैलेंटेड लोग बाहर जाना पड़ रहा है तो माननीय मंत्री जी जिला के प्रभारी भी हैं और अभी स्वास्थ्य मंत्री के प्रभार में भी हैं तो मैं सीधा पूरक है कि वहां पर कब तक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो जाएगी। माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग प्रभारी मंत्री महोदय नीतिगत रूप से बिल्कुल सही है कि सरकार ने यह फैसला किया है कि प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी लेकिन चरणबद्ध ढंग से की जाएगी और आगे जो चरणबद्ध ढंग से की जाएगी तो आवश्यकता के हिसाब से चूंकि औरंगाबाद के जिला के अगल बगल दोनों जिले में स्वास्थ्य की पर्याप्त व्यवस्था है और एक सासाराम में मेडिकल कॉलेज है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और बगल में गया है वहां पर मेडिकल कॉलेज है इसलिए आगे आने वाले चरणों में निश्चित रूप से प्राथमिकता के आधार पर औरंगाबाद को देखा जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय एक पूरक और है माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कहा सही बात है कि अगल बगल है लेकिन मैं सरकार के जो फैसला है जो नीतिगत फैसला है उन नीतिगत फैसले के अनुकूल मैं मांग रहा हूं अलग से तो कुछ है नहीं कि जो है इधर रोहतास है या मगध मेडिकल कॉलेज गया है तो नीतिगत फैसला के अनुसार पर प्रभारी मंत्री भी यही है तो एक आश्वासन मिल जाए ताकि जो है हमारे जो है गठबंधन की सरकार की जो है एक तुलनात्मक उसमें इनकी माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय मैंने नीतिगत फैसले के बारे में ही कहा और उसी प्रावधान के तहत वहां भी मेडिकल कॉलेज खुलेगा लेकिन चरणबद्ध ढंग से खुलेगा और निश्चित रूप से खुलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मुख्यमंत्री जी ने इसका फैसला कर महोदय 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 बस नहीं अब नहीं अब आप हस्तांतरण करें एक बस बस माननीय मंत्री जी से मैं बहुत दिल से कह रहा हूँ कि हम आभार है लेकिन सर थोड़ा सा दाएं बाएं बोल रहे हैं सीधा कह दे कि एक साल बाद हो गया क्या ये दाएं बाएं नहीं बोल रहे हैं राजेश जी बिल्कुल एग्जैक्ट जो प्रश्न का जवाब होना चाहिए और सरकार की जो नीत है उस नीत के संबंध में उन्होंने आपको जवाब दिया है अतः ग्रहण करें। माननीय सदा श्री प्रमोद कुमार सिन्हा माननीय सदा श्री प्रमोद जी नहीं।